सियासत को जब जनमत की चोट लगती है तो ताज बचा पाना मुश्किल होता है। राजनीति में सब जायज है, आपका शिखर पर बैठना भी तो शिखर के ताप से दूर हो जाना भी। शुरुआती चार लाइनों से आपके जेहन में यह कौंध रहा होगा कि हम राजनीति की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम उसी राजनीति की बात कर रहे हैं जिसके नतीजे हाल फिलहाल में आए हैं। कुर्सी के शीर्ष पर बैठे नेताओं को जनता ने धक्का देकर उतार दिया है। उनकी जगह जो आए हैं उनकी चर्चा सियासी गलियों में तेजी से हो रही है। कहीं संपूर्ण पार्टी का प्रदर्शन शर्मनाक रहा तो कहीं माननीय कहलाने वाले नेता भी अपनी नाक नहीं बचा पाए। या उनके कार्यकाल का कसूर कहिए या जनता का दिया श्राप जिससे कई दिग्गज उबर नहीं सके। फिलहाल इस वीडियो में बात उन नेताओं की जिनके शर्मनाक प्रदर्शन से पार्टी चकुआई हुई है, बात उन नए नवेले नेताओं की भी जिन्होंने इन दिग्गज को औधे मुंह पटखनी देकर विधानसभा जाने का सपना चूर चूर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पांच राज्यों के टॉप सीटों का लेखा जोखा। शुरुआत यूपी से, जहां भाजपा के बहुचर्चित नेता सह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट पर अधबोले गिर पड़े। हार हुई भी तो उनसे, जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी। जी हाँ, इस सीट पर केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही पल्लवी पटेल के हाथों 7,337 वोटों से शिकस्त खानी पड़ी है। हालांकि पल्लवी पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ एवं सिराथू की बहू होने के कारण जो पब्लिक वोटों की उन्होंने गोलाबंदी की वह काबिले तारीफ रही। उनकी उम्र 41 साल है और उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद सब्जियों और फलों के फंगस पर रिसर्च करते हुए डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त की है। पल्लवी के बारे में अधिक जानकारी यह है कि वो पूर्व नेता सोनेलाल पटेल की बेटी, वहीं मोदी सरकार में मंत्री पद संभाल रही अनुप्रिया पटेल की बहन है। कहा जाता है कि दोनों बहनों में पिता की विरासत संभालने को लेकर मुंहबाजी लड़ाई पिछले 8 सालों से चल रही है। यही वजह है कि पल्लवी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव में उतरी और जीत भी गई। पल्लवी के बाद यूपी की एक और जीवंत कहानी पर बात करते हैं। जरा सोचिए, जिस पर प्रदेश की जिम्मेदारी हो अगर वही चुनाव हार जाए तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हुआ है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन से तो जग हसाई करवाई ही है, भला प्रदेश अध्यक्ष पीछे क्यों रहते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर के तमकोही राज से अपनी सीट बचा पाने में असमर्थ रहे हैं, जबकि उनके प्रचार के लिए कांग्रेस ने एरी चोटी का जोर लगाकर महासचिव प्रियंका गांधी की भी हेलीकॉप्टर लैंड करवा दी थी। लल्लू अपने नाम के हिसाब से लल्लू रह गए और उन्हें हराकर डॉक्टर असीम कुमार भाजपा की टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचने का ख्वाब जागती आंखों से पूरे कर गए। असीम पैसे से गोरखपुर के जाने माने डॉक्टर हैं। पहले उन्होंने निषाद पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन चुनाव से एन पहले वो भाजपा में चले गए और भाजपा ने उन्हें तमकुही राज से अपना उम्मीदवार बनाया। अब उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। यूपी से अब सियासत की गाड़ी को पंजाब की तरफ मोड़ते हैं। जो कारनामा जालंधर से 922 किलोमीटर दूर लखनऊ में हुआ, वही कारनामा पंजाब ने भी दोहराया। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी को मोबाइल रिपेयर की दुकान में काम करने वाले शख्स ने 37,000 वोटों से हरा दिया। जी हाँ, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लाभ सिंह को 63,514 मत मिले, जबकि मुख्यमंत्री चन्नी सिर्फ 26,294 वोट ही जुटा पाए। अब आपके मन में जानने की इच्छा तो हो ही गई होगी कि ये लाभ सिंह कौन है जिन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को 37,000 वोटों से धोबी पछाड़ दे दी। दरअसल लाभ सिंह की मां पंजाब के एक सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी है और उनके पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। लाभ मात्र 2 कमरे के घर में रहते हैं और उन्होंने इस बार अपना पहला ही चुनाव सीएम चन्नी के खिलाफ लड़कर इतिहास रच दिया। वे गांव में प्रचार करने के लिए मोटरसाइकिल या सार्वजनिक बस से गांव-गांव में घूमा करते थे। कुछ सालों पहले ही राजनीति में सक्रिय हुए और इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है। विधायक से पहले भी उनका राजनीतिक करियर रहा है। लाभ सिंह ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। शिक्षा की बात करें तो वे 12वीं पास हैं
वहीं हलफनामे के मुताबिक उनके पास लगभग 5 लाख रुपए की संपत्ति है। बड़ी बड़ी बातों से और विवाद वाले हाथों से नवजोत सिंह सिद्धू का हमेशा नाता रहा है। यही कारण है कि वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार चर्चा की एक और वजह है और वो वजह है चुनावी नतीजे। अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे नवजोत को आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रही और पैड वुमेन के नाम से मशहूर जीवनजीत कौर के हाथों करारी शिकस्त मिली है। जीवनजीत पहली बार विधानसभा पहुंचेगी। लॉ की पढ़ाई कर चुकी जीवनजीत करीब 25 सालों से समाज सेवा कर रही है। 2015 में कौर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी। उनकी तारीफ पार्टी ऑफिस से लेकर पंजाब के घर घर में हो रही है। कारण यह है कि 2 बार अमृतसर से सांसद रहे और कद्दावर नेताओं में से एक नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने चुनाव में पटखनी दे दी है। लखनऊ और जालंधर की तरह ही माजरा उत्तराखंड में भी दिखा, जहां भाजपा को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन खटीमा सीट से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। धामी को कांग्रेस के युवा नेता भुवन कापड़ी ने 6579 वोटों से परास्त किया। भुवन उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 2017 के चुनाव में भी उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2707 वोटों से पिछड़ गए थे। नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे के मुताबिक भुवन के पास लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति है। वहीं उनके पास लॉ ग्रेजुएट की डिग्री भी है। औधे मुंह गिरने वाले नेताओं का अब स्तर क्या होगा, यह पार्टी तय करे। बहरहाल जनता की टीआरपी में नुकसान साफ तौर पर देखा जा रहा है। काम से नाराज सांप की तरह फन फैलाए जनता ने अपने वोटों से दिग्गजों के मुंह में कालिख पोत दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ऐसी जानकारी एवं और खबरों के लिए देखते रहिए वीजन।